Download the Z5 app now. अच्छा कभी पहले जी जाया कभी भी रिश्तों में ये बोल असल में शरिया बोर्ड एक सिर्फ एक एनालॉजी माना जाएगा ज़ारा की सोच और नज़रिए के लिए, क्योंकि ज़ारा का सोच और नज़रिया जिससे हम इत्तेफाक नहीं रखते वो शरिया बोर्ड के ज़रिए बाहर आता है। और सेम चीज़ उसको हमें लगता है कि उसको हमसे कोई तकलीफ़ है नहीं वैसे, ना हमको ज़ारा से, बस हमारी जो नज़रिए की टकरार है वो शरिया बोर्ड के थ्रू बाहर आती है। एंड इसलिए हमेशा हमारे रिश्ते में जो दरार आती है वो शरिया बोर्ड के थ्रू। मैंने कितने अच्छे उर्दू वर्ड बोले ना अभी। ये उर्दू इज़ इम्प्रूविंग। हाँ सॉरी। हाय कबीर, कहीं कहीं एक डर कबीर के मन में बैठ गया है जो फ्लैट का सीन था जिसे आप सोच रहे हैं? वो ज़ारा का डर था असल में, पर आपने सही कहा कि क्या डर है आपके मन में, क्या बैठ गया जो आप फिल्म में देख रहे हो? रिश्ता ख़त्म होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती हैं, वो एक पार्ट होता है रिलेशनशिप का, लेकिन रिश्ता ख़त्म कर देना मतलब दो लोगों का अलग होना एक बहुत पेनफुल बात होती है और एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, सिर्फ लड़की के लिए ही नहीं लड़के के लिए भी। बट कबीर के वो कसम खाने के बाद, जब उसने कुरान पाक पर कसम खाई, उसके बाद ज़ारा को बहुत डर लगने लग गया कि कहीं कबीर ने अगर रिश्ता तोड़ दिया तो क्या होगा। तो वो डर है जिसके जो नाइटमेयर्स बन के आ रहे हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ज़ारा कबीर हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तो आगे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता है, फिलहाल हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में बहुत उथल पुथल चल रही है ज़िंदगी। Download the Z5 app now.